वाक्य करबला के मुतालिक चार बातें आप हमेशा याद रखिए। पहली बात, आपने गालियां भी सुनी वाक्य करबला के मुतालिक, तारीफें भी सुनी। एक खरब यजीद इकट्ठे हो जाएं तो सईदना हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। क्यों? जन्नत के शहजादे हैं। क्यों? सिहाबी हैं। याद रखने वाली बात। और हमारा ईमान है कि सईदना हुसैन से अफजल सईदना हसन है। इन दोनों में से बड़े कौन थे? रज़ियल्लाहु अन्हुमा। कौन बड़े थे? तो जिसकी आंखों ने अल्लाह के रसूल को ज्यादा देखा हो वो अफजल होगा ना। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इन्नबनी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा हसन इस उम्मत का सरदार होगा। वो भी शहीद हुए क्योंकि उनको जहर दी गई, ये भी शहीद हुए, इनको शहीद किया गया। शहादत में दोनों बराबर। हदीस आती है, अन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये जन्नत के शहजादे हैं। पहले हसन का नाम लिया, बाद में हुसैन का। दोनों ही सरदार, दोनों ही शहीद, दोनों ही नवासे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हसन के बारे में फरमाया है, इन्नबनी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा इस उम्मत का सरदार है। युस्लिहुल्लाह, अल्लाह इसके जरिए उम्मत की इस्लाह करेंगे। यही थे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मिंबर से उतरे, सईदना मुआविया को हाथ से पकड़ा और मिंबर पे बिठाया कि मैं वहां आपको बिठा रहा हूं जहां मेरे बाप बैठते थे। तो उन दोनों में से अफजल कौन है? कभी किसी ने सईदना हसन की शहादत मनाई? पता भी है किसी को कि किस तरीके को शहीद हुए थे? क्यों नहीं पता? वो नवासे नहीं थे? तो चार बातें याद रखने वाली हैं। एक खरब इकट्ठे हो जाए सहाबा के बाद आने वाले, क्योंकि ये ताबेई हैं यजीद। एक खरब इकट्ठे हो जाए सहाबी का मुकाबला नहीं हो सकता। वो जन्नत के शहजादे हैं, हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के नवासे हैं और सहाबी हैं। दूसरी बात याद रखने वाली है जो मैंने आपके सामने पेश की, कि दोनों में से अफजल कौन है? क्यों भला? क्योंकि ज्यादा अल्लाह के रसूल का दीदार किसको नसीब हुआ? सईदना हसन को। तीसरी बात, हक वो होता है जो दुश्मन बोलता है। सईदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। किसने शहीद किया? अगले 400 साल भी को कोशिश कर ले, किसी एक रिवायत को पेश नहीं कर सकता कि वो यजीद ने इनको शहीद किया है। बल्कि आज चुके वक्त थोड़ा था, मैं वाजे करता, सही बुखारी की रिवायत है, कुस्तुनतुनिया का जो बहरी जो हमला होगा, बहरी बेड़ा जो होगा, उसमें जितने शरीक होंगे सब के सब मगफूर अल्लाहुम, सब के सब बख्शे हुए हैं, और उसका लीडर यजीद था। आप करबला का नक्शा आप चेक कीजिएगा गूगल पे जाके, आज ही आज भी देखिए, करबला ये कूफे की साइड पे है कि वो उस साइड पे है, शाम की साइड पे, किधर है जरा चेक कीजिएगा। करबला में शहीद हुए हैं। हुआ ये था, कूफी जालिमों ने 4000 खत लिखे थे मुस्लिम बिन अकील को, जब भेजा था सईदना हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने, और जब आए तो उनको शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने पैगाम दिया था कि मेरे भाई को बता दो ये जालिम धोखेबाज हैं, यहां ना आना। जब उनको खत मिला तो शिमर जालिम को पता चल गया, उन्होंने रोक लिया। और फिर उस वक्त कहा था कि या तो मुझे जाने दो यजीद की तरफ, मैं बैत कर लेता हूं, या मुझे वापस जाने दो मदीना, या ये है कि मुझे किसी सरहद पे जाने दो, मैं जिहाद कर लूं। लेकिन जब ये पता चला कि मेरे भाई को भी शहीद कर दिया है, कहा मैं इसका बदला भी लूंगा। तो फिर उन बुलवाइयों ने उनको शहीद कर दिया था। और जरा तारीख पढ़ के देखिए, उनके भाई ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने यजीद को तहज्जुद गुजार देखा है। फिर बाकी खानदान को वही लेके गए और तोहफे तहायफ देके मदीना छोड़ के आए। मुसीबत यह है कि इस वतने अजीज के अंदर मस्क शुदा जो तारीख है वो पेश की जाती है। मस्क शुदा तारीख से मेरी मुराद क्या है? किताबें लिखती हैं, यहां सूफिया इस्लाम लेके आए, यहां 25 सहाबा इस्लाम लेके आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तारीख पढ़िए, बनावटी तारीख नहीं मैं कह रहा, जो हकायक के तनाजुर में है। 25 सहाबा, और यहां 42 ताबेईन आए हैं,
ये मोहम्मद बिन कासिम भी आया है तो कहां आया था? अबू जत्ती यहां आए हैं जो सबसे आखिर में आए हैं। तो ये इतना बड़ा तारीखी झूठ है जो बोला जाता है, अल्लाह माफ फरमाए, बल्कि पढ़ाया जाता है कि सूफिया पाकिस्तान में इस्लाम लेके आए। और मैं सिर्फ उनके इस्लाम की एक बात बता दूं, आप खुद सोचिएगा अगर 3 सदियां इस्लाम नहीं था या सूफिया लेके आए हैं तो ये कहां से लेके आए? इस्लाम किधर था? इस्लाम ये कहता है 494 दलाइल हैं कि अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह की जात अर्श पे है। और सूफिया क्या कहते हैं? वमल कल्ब वल खिंजीर इल्ला इलाहुना नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुत्ता भी हमारा रब है, खिंजीर भी रब है, क्योंकि उस पर भी नूर हमें नजर आता है। ये अकीदा तो किसी मुसलमान का नहीं होता, ये झूठ है। इसलिए तारीख सही सही पढ़ने की कोशिश करे, मस्खशुदा तारीखों के पीछे न पढ़े। और चौथी बात यह है, दयानतदारी से बताइएगा, अगर कोई जिहाद अल्लाह के रसूल के जमाने में, सहाबा के जमाने में होता, कोई सहाबी पीछे रहता था? सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये जन्नत के शहजादे जब गए, कोई सहाबी साथ गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि लड़ाई का वहां काम ही नहीं था, तो बुलवाइयों ने उनको शहीद कर दिया। अगर ये जिहाद के लिए जाते कि जिहाद वहां होना है, उनके तो इलम में नहीं था, वो तो गए थे वहां कूफा, तो सहाबा साथ जाते कि ना? अब्दुल्लाह बिन उमर भी थे, उन्होंने भी मना किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे, उन्होंने भी मना किया कि आप ना जाइए। लेकिन वो गए तो इसलिए थे कि चलो वहां को दीन की बात करूंगा, वो तो लड़ाई के लिए गए ही नहीं थे, तो जालिबों ने उनको शहीद कर दिया। इसलिए मस्खशुदा तारीख के पीछे लग के अपने आमाल को जाया ना कीजिए।